हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, जो एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निकाली गई है। ये बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो इसमें कस्टमर एजेंट की पोस्ट है, हैंडीमैन की पोस्ट है, सीनियर रैंप सर्विस एजेंट की पोस्ट है, रैंप सर्विस एजेंट की पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव पैक्स की पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव निकल की पोस्ट है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 376 वैकेंसी है। अगर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की बात की जाए तो कस्टमर एजेंट के लिए 155 वैकेंसी है, हैंडीमैन के लिए 147 वैकेंसी है, सीनियर रैम सर्विस एजेंट के लिए 34 वैकेंसी है, रैम सर्विस एजेंट के लिए 16 वैकेंसी है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए 10 वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 9 वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए 4 वैकेंसी है। अब बात करते हैं पे स्केल की, तो कस्टमर एजेंट के लिए 20,190 रुपए पर मंथ है, हैंडीमैन के लिए 16,590 रुपए पर मंथ है, सीनियर रैम सर्विस एजेंट के लिए 20,000 रुपए पर मंथ है और रैम सर्विस एजेंट के लिए 20,190 रुपए पर मंथ है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए 18,360 रुपए पर मंथ है, जूनियर एग्जीक्यूटिव पैक्स के लिए 25,300 रुपए पर मंथ है, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए भी 25,300 रुपए पर मंथ है। आइए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कस्टमर एजेंट के लिए कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएट पास होना चाहिए, उसके साथ साथ 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। और अगर हैंडीमैन की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए और उसके साथ साथ 1 साल का लोडिंग और अनलोडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर रैंप सर्विस एजेंट की, तो इसके लिए कैंडिडेट के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल में, उसके साथ साथ ड्राइविंग का लाइसेंस भी होना चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। आइए बात करते हैं यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की, तो इसके लिए कैंडिडेट को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, उसके साथ साथ ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव पैक्स के लिए कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएट पास होना चाहिए, उसके साथ साथ 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की, तो इसके लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कैंडिडेट के पास मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर पेमेंट मोड की बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू बेस्ड है और इंटरव्यू की जो डेट है 3 से 6 जनवरी 2019 है। इसका जॉब लोकेशन चेन्नई तमिलनाडु है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू फिजिकल एंडोर्समेंट और रिटर्न होगा। अगर वेन्यू की बात करें इंटरव्यू की तो एयर इंडिया स्टाफ हाउसिंग कॉलोनी मीना कम्बकम चेन्नई 600027 है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।